यार काफी रियल लग रहे हैं, एक कान ऊपर एक नीचे। हैप्पी न्यू ईयर 2020 आ गया है और साल का पहला दिन है, एक्साइटमेंट भरा हुआ। क्यों भाई तुझे नहीं हो रही एक्साइटमेंट, उदास क्यों है? तो साल के पहले दिन में क्या होता है, बचपन से क्या हो रहा है, हमें बोलना जाता है कि भाई पढ़ लो, क्योंकि अगर पहले दिन पढ़ लोगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे। तो हमें तो बहुत डांट डांट के पढ़ाया जाता था। तुम क्या करते थे? ये सोच के बोल रही है इसने जो भी बोलना है। ये बना रही है, ये बना रही है बेस, ठीक है। तो बस एक बात है कि आज 1st of January है और हमने ये सोचा था कि हम पहले दिन तो व्लॉग कम से कम करेंगे, बट मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया और अब हो चुका है शाम के 8:15, ठीक है। तो मैडम कह रही कि व्लॉग करेंगे, मैंने बोला घर में कर लेते, कह रही नहीं बाहर जाऊंगी, घर में कर करके बोर हो गई हूँ। तो ये जो ये लॉजिक दे रही है ना कि साल के पहला दिन वो करना चाहिए जो अच्छा लगता है, ये सिर्फ इसलिए दे रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गो टू मॉल। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मुझे मॉल जाना पसंद नहीं है ज़्यादा। सबको पता है अभी तक। हाँ दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपको स्पेसिफिक चाहिए वो आप लेने जाओ और लेके आ जाओ, बट इनको मॉल में शॉपिंग नहीं करनी है, इनको मॉल में विंडो शॉपिंग। चेक आउट द स्टफ, चेकिंग आउट इज द बेस्ट थिंग, इजंट इट? हाँ, और तो इसलिए मैं चेकआउट करने जा रही हूँ। बाकी लंबी लंबी बातें मत करो, तुम अपना बताओ जो तुमने मेरे को गोची मारी है। मुझे बस कुछ खाना था क्योंकि कल था ट्यूसडे, और क्योंकि न्यू ईयर में मैं बाहर जाता नहीं हूँ भीड़ में, और ट्यूसडे भी था तो हम घर पे ही बैठे। तो आज हम एक तरह से अपना न्यू ईयर मना रहे हैं। तो बस ये है कि मॉल जाना है। बोल रहा है कि पूरे साल तो तूने मुझसे डाइटिंग ही करानी है, तो मेरे को साल का पहला दिन चीट डे। मैंने बोला ही नहीं कि मुझे डाइटिंग करनी है यार, है ना ये, मतलब बनता है। मैंने बोला ही नहीं मुझे डाइटिंग करनी है। बोला नहीं है, कुछ रेजोल्यूशंस हमारे भी हैं। दादी ये तो पागल हो गई है। इट इज अ गुड सरप्राइज। तू क्या कहती है? व्हाट डू यू से? लैला सेज मामा इज ऑलवेज राइट। आई बॉट दीस थिंग्स फॉर यू। व्हाट थिंग्स? द मफलर इज देयर फॉर यू। मफलर क्यों पहनूंगा मैं? नहीं नहीं मफलर नहीं बेटा, सॉरी वो तो मेरी आदत है ना गलत चीजें बोलना। ओह हां यार ये बड़े सही हैं, दियो दियो दियो। दीज आर फॉर यू। ये ग्लव्स हैं, ये मेरे फेवरेट ग्लव्स हैं, अभी क्योंकि मनाली से लाए थे, लेते हुए तो मैं नखरे कर रहा था बट एक्चुअली में काफी काम आते हैं। तो आज इनकी इनकी वैल्यू दिल्ली में पता लग रही है। नहीं है ना, दैट कैन बी यूज्ड एज अ मिरर। सी काफी रियल लग रहे हैं, एक कान ऊपर एक नीचे। यू वांट डिसेंट हेयर? यू गो भाई साहब, ये वो है क्या कहते हैं कस्टमाइजेबल, ये मजेदार चीज है यार। तुमने ऐसे नहीं किया ना, मेरे को ऐसा लगा किसी ने मेरा कान खींच लिया होता है। ओह इट्स सो हेजी, इट्स सो हेजी, and we're off to go baby, it's so hazy, yeah yeah yeah, 2020 mein to main angrezi mein gaane gaane lagi, it's so hazy, hey hey, it's time to go baby। अच्छा बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या क्या, क्यों मैंने को लगा कि तुम मुझसे पूछ रही है, बताओ कि तुम्हें इस साल क्या चाहिए। अरे वो नहीं मैं पूछ रही, मैं कह रही हूँ अभी तुम्हारे आंखों के आगे क्या क्या खाना तुम्हें दिख रहा है। मैं ऐसा भी कुछ नहीं फूडी ज्यादा हूँ, मेरा तुमने ज्यादा मजाक बना रखा है। हम ऐसे तुम्हें बदनामी के घने साए में उड़ेल देंगे ना कि तुम अपने आप मॉल ले जाएगी, रिफॉर्मेशन लाना चाहोगे। तू मॉल लेके जाएगी राइट? नहीं मॉल लेके जाएगी तू? अभी मॉल तो जाना ही पड़ेगा यार, एक घंटा है मेरे पास, मैं क्या ही कर लूँ। वही तो बोल रहा हूँ, कहीं तो जा नहीं सकता, ठीक है, नहीं तो मैं जाता करीम जाता या कहीं जाता। ओ भाई साहब, मतलब अगर अरे देखो मिल जाएगा यार, इस साल का पहला चीट डे है यार, बड़ा होना चाहिए, काफी चीटिंग होनी चाहिए, काफी चीटिंग होनी चाहिए। तो सुबह से क्यों नहीं निकल गया, तो क्यों गया था काम से? मैं बताता, मैं तेरे को ब्रेकफास्ट लंच डिनर सपर सुपर सब करा देती। मैं अपनी एक ही मेरे को जगह अच्छी लगती है, बर्गर अच्छा लगता है मुझे एक जगह का, वो हम खा लेंगे बर्गर। और जब तक तुम शॉपिंग करोगी ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं घूमूंगा शॉपिंग में, पहले बता। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। बस ठीक है, मैं अपना कुछ कुछ कर लूंगा। ठीक है, ओके, लेट्स गो। सो वी आर गोइंग टू स्प्लिट आवर वेज, स्प्लिट आवर वेज, गोइंग टुवर्ड्स फूडिंग्स, अनदर गोइंग टुवर्ड्स शॉपिंग्स।
फूड तो तुम मेरे साथ खाएगी बैठ के, क्या ड्रामा है? मुझे खाना है, मेरे साथ बैठना है तुझे, मुझे बस बैठना है, खाना नहीं है। इतना गंदा लगता हूँ, हाँ खा लूंगी, एक बाइट ले लूंगी। ठीक है और बता। ये है इसकी राज, इसकी त्वचा का राज। पति को बोलती खाना मंगाओ और उसमें से एक एक बाइट खाती है और उससे पति मोटा हो जाता है। फिर सालों बाद जब उसको रियलाइज होता है, शिट मैं तो इसकी वजह से मोटा हुआ, मैं बनाऊंगी तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन। नहीं ऐसा बिल्कुल, पतली करने की देवी, ऐसा अब मैं तुम्हें पतला करूंगी, ऐसा अभी बोल रही है बर्गर खाना और मैं एक बाइट खाऊंगी, वाह वाह वाह। पता नहीं आज वो लगी है, क्या कहते हैं उसको, ब्लैक फ्राइडे सेल। ओ बेड़े बैठने की जगह ढूंढ लो बेड़े, ओ बेड़े इतनी भीड़ है बैठने की जगह नहीं मिलेगी बेड़े। फैंसी जगह से मेरे को बर्गर दिला के, वो रही मेरी जगह और यहाँ ले आई है भीड़ में, हैं? जस्ट बिकॉज ही वांट पुरानी दिल्ली के छोले चावल। क्या लाइए? तो शॉपिंग हो गई है खत्म मैडम की, और खाना पीना हो गया, मैंने वीडियो गेम खेल ली है, तो पूरा साल मैं वीडियो गेम खेलूंगा और ये शॉपिंग कर लेगी थोड़ी सी। अब हम घर जा रहे हैं। ओके नहीं हम घर नहीं जा रहे, अभी सरप्राइज बाकी है। अब क्या सरप्राइज? अरे अभी हम इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सामान गाड़ी में छोड़ना है, एंड देन वी आर गोइंग बैक इन द मॉल। अबे 10 बजे तो वी हैव अ सरप्राइज। 11 बज गए हैं, वी हैव अ गुड न्यूज़। 10:30 द सरप्राइज इज अ गुड न्यूज़। समझ नहीं आता तेरा मेरे को क्या गुड न्यूज है। मॉल क्यों जाना है? क्योंकि मॉल में ही है यार गुड न्यूज। अब मैं तुम्हें इतनी वो दे दी है, योर सरप्राइज इज अ गुड न्यूज, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? कैसे तुम्हें समझ? देखते क्या करती, क्या मैं देखना चाहता हूँ, मैं कैमरा बंद नहीं करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ क्या करती है। आज तो ही पिटेगी मेरे को लगता है कि शॉपिंग हो गई, सब कुछ हो गया, पिटना रह गया। तो 1 जनवरी जो है ना, पिटना जो है मेरे को लगता रह गया। तो सरप्राइज ये है कि तुम्हें तो पता ही है मुझे बॉलीवुड कितना पसंद है यार, मैं मूवी नहीं देखा यार। मैं नहीं देखा यार, हर बार मैं तेरे को बोलती हूँ तो मुझे बोलता है हाँ मैं बुक करा और 5 महीने तो कैंसिल करा देता, इसलिए आज ये मैंने ही कर लिया। तो करनी है अभी बुक? आई हैव बुक द टिकट्स, 11 बजे का शो है यार। कभी तुम्हारे प्लान ही हुआ है? गुड न्यूज़ बोल रही है, मजे ले रही है, सामान रख दिया गाड़ी के अंदर शॉपिंग वाला, और कह रही है गुड न्यूज़, और फिर आधे रास्ते पे जाके बोलती है कि मूवी देखनी है। गुड न्यूज़ कुछ नहीं है भाई, मूवी देखनी है। और ये नहीं मैडम को पता कि कैमरा अलाउड नहीं होता थिएटर में, तो कैमरा तो यहीं रहेगा। Thank you.
इसको थिएटर में आके ना अजीब सा इसके अंदर का एक क्या कहते हैं उसको दानव दानव जाग जाता है जो कहता है कि मैं सबसे महंगा खाना खाऊंगा आज। ये जो भूखे लगता है ना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आई लव दिस। सिर्फ जोर जोर से चीख रहा है। You guys can fake it too? तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? सिर्फ टेढ़े मेढ़े मुंह ही तो बनाने होते हैं। फ्री है ना भैया? हैप्पी न्यू ईयर भैया। कह रही है भैया पार्किंग फ्री है ना? You jokes with me? I don't like it. How was the movie? The movie was very very exciting. यार देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मूवीज देखने में तुम्हारे साथ। हाँ हाँ बट आई सी योर बट कमिंग बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं तीन घंटे एक पिक्चर ढाई घंटे एक पिक्चर क्यों देखूं इतने सारे लोगों के बीच में बैठ के। और मतलब मैं पहले तो एंट्री नहीं होना चाहता हॉल के अंदर उस समय ठीक है बिकॉज थिएटर के अंदर बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि यार मुझे पता है क्या होगा मुझे पता क्या एक नॉर्मल बॉलीवुड मूवी मसाला मूवी इट इज नॉट कि इसमें कोई बड़ी ग्रेट स्टोरी है ठीक है स्टोरी तो थी इमोशन भी था कोई आएगा शो बचाएगा हंसी मजाक होगा थोड़ा सा इमोशन दिखाएगा इमोशन ऐसा दिखाएंगे इतना प्यारा म्यूजिक डालेंगे 10 मिनट तक म्यूजिक चलता रहेगा जब तक आपके दो आंसू नहीं निकलेंगे फिर आपको लगेगा ओह अच्छा अच्छा हाँ इमोशन तो था मूवी के अंदर और फिर उसके बाद दो जोक मारेंगे गंदे दो जोक मारेंगे चलो हम भी मारते हैं जोक अच्छी बात है बट बॉलीवुड मूवी से सीखना भी बड़ा अच्छा है कि बिना स्टोरी के कैसे आप एक मूवी बना सकते हो देखा कैसे बात घुमाइए क्योंकि जो हम व्लॉग में करते हैं वही तो मूवीज में होता है मूवीज में थोड़ा स्टोरी होती है और उनको एक्टिंग आती है हमें एक्टिंग नहीं आती है हम नेचुरल करते हैं कभी हम हंसते हैं कभी हम रोते हैं कभी हम इमोशनल होते हैं तो अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि लोग तुम्हारा व्लॉग देखें तो तुम्हें भी बॉलीवुड मूवीज मुझे दिखानी पड़ेंगी प्रॉब्लम ये हो गई है कि इतने टाइम से पिछले एक साल से ना मैं ये सीख रहा हूँ ना फिल्म मेकिंग और तो उसमें मैं ज़्यादातर ना मूवीज़ देख रहा हूँ हॉलीवुड ठीक है और पहले उससे पहले मैं ज़्यादातर ओके ओके मूवीज़ देखता था बॉलीवुड की अब ना वो मूवीज़ देख के मेरा शिफ्ट हो गया ऐसे लाइन यहाँ से यहाँ हो गई आई कांट वॉच अ हिंदी मसाला मूवी आई कैन वॉच इट डोंट जज मी बट इन थिएटर्स आई कैन नॉट वॉच इट बिकॉज आई कैन नॉट मूव इफ आई एम नॉट लाइकिंग इट आई एम स्टक इन दैट स्पेस आई डोंट like to be stuck oh in that oh ho mere claustrophobic buddy no I'm not claustrophobic yeah. I'm not claustrophobic what are you then no I'm hungry भाई गाड़ी घुमा के 24/7 ले आया अब क्या नहीं तो तेरे को मूवी में क्या अच्छा लगा बताइयो वैसे हाँ शुरू शुरू में वो मूवी काफी हमारे लिए रिलेटेबल थी तो मतलब इतनी रिलेटेबल सारी आंटियां बोल रही 7 साल हो गए शादी को एक डॉक्टर है उनका नहीं, नहीं, नहीं। सबसे बढ़िया तो वो था पहाड़गंज में एक बाबा जी हैं फूक करके झट से सब कुछ कर देते बस देखेंगे और सब कुछ हो जाएगा फूक मारते हैं ऐसे उसने बोला वो सबसे बढ़िया तो वो था लड़की है हाय कितने साल हो गए शादी को 7 साल अब छोड़ो ये बॉडी शॉडी बनाना अब तो वेट गेन करने उन्होंने मैच किया था उन्होंने मैच किया था जो तुम्हारे साथ भी जनरली होता है ये सबके साथ होता है मैं बताता हूं कैसे मैच होता है एक लड़की आई पहले उसने बोला कि भाभी जी आप बड़े स्लिम ट्रिम लग रहे हो हमें भी तरीका बता दो और फिर उसके बाद उसकी माँ आई उसने बोला कि अब तो टाइम हो गया है वेट बढ़ाने का यही तो टाइम है प्लानिंग करके आई थी दोनों तो ये काफी रिलेटेबल मूवी है दैट वाज क्वाइट रिलेटेबल माय बॉय क्वाइट रिलेटेबल And I loved it. Boy. The first half is too funny and the later half is like emotional. अच्छा है. One time watch तो है. पूरे पैसे वसूल है. बॉलीवुड मसाला मूवी देख लो. उसमें यही होता है. सेम रेसिपी है. अरे रेसिपी छोड़ो यार. मतलब फुल टाइम पास है. मैं कह रही हूँ ना जाके देखो. इसकी बातें मत सुनो. ये तो बोरिंग आदमी है. Anything from here? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी. Right पे. मैं क्या भाभी जी बड़ा टाइम हो गया है वेट बढ़ाओ थोड़ा मैं अपना राज बताओ यही राज है बात का नहीं खाती है वो फालतू बट मैं खाता हूँ